हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि GTU जो है वो एग्ज़ाम लेने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने बोला है कि नोटिफिकेशन में कि 3 घंटे की जगह पर 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे की जगह पर 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का मार्क्स क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चंस जो है जितने भी माइंड के अंदर डाउट हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए डिटेल पूर्वक देखते हैं आज के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में। जो समर 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, समर 2020 फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम का टाइम है वो एग्ज़ाम का टाइम कितने आवर का कर दिया गया है, 2 घंटे का कर दिया गया है। मतलब आपको अब जो है 2.5 घंटे या 3 घंटे की जो एग्ज़ाम थी उसको 2 घंटे में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल मार्क्स जो है वो कितना है, 56 मार्क्स। मतलब आपको 56 मार्क्स का पेपर 2 घंटे के अंदर देना है। कितने में देना है, 2 आवर के अंदर, 2 घंटे के अंदर 56 मार्क्स का पेपर जो है आपको लिखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो है एज इट इज़ रहने वाली हैं। अटेम्प एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू 5। एक और चीज़ है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 में कोई भी आपको 4 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास हर सेक्शन जो है 14 मार्क्स का होता है। तो 14 5 जा कितना होता था, 70 होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको एक ही 4 में से 5 में से कोई भी 4 सेक्शन आपको अटेंड करना है। मतलब 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आपको 56 मार्क्स का पेपर लिखना है। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी जो है बिना भूले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि इस चैनल के बारे में लोगों को पता चले। आगे के पॉइंट पढ़ते हैं, मेक सूटेबल एजम्पशन वेन एवर नेसेसरी। जब कभी भी कोई एजम्पशन है तो आपको वहाँ पे लिखना है। फिगर टू राइट इंडिकेट द फुल मार्क्स। यदि आप फिगर बना रहे हो और उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन एड्स विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई भी प्रकार का प्रोमेबल कम्युनिकेशन या फिर कोई भी ब्लूटूथ वगैरह ऐसा से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। और एग्ज़ाम का पेपर जो है वो बाईलैंग्वल होता है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन जो है वही ऑथेंटिक होती है, याद रखिएगा। गुजराती के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो तो ठीक है, बट इंग्लिश वर्जन जो है वो फाइनल गिना जाएगा। बाकी का पूरा पैटर्न आप पेपर जो है वो सेम रहने वाला है। जैसे आपको मिलता था पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चंस, उसमें से लिखने पड़ते थे 7 क्वेश्चंस, वो तो सेम टू सेम रहने वाले हैं। वापस से क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, तो 2A और 2A में ऑप्शन है अपने पास, 2B और 2B में भी ऑप्शन है, 2C और 2C में ऑप्शन है, और 2D और 2D में भी ऑप्शन है। मीन्स सेम टू सेम सेक्शन जो है, सेक्शन 1 जो है वो भी नहीं बदला है, सेक्शन 2 के अंदर भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। सेक्शन 3 की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी क्वेश्चन A के अंदर और A के अंदर ऑप्शन है, B के अंदर और B के अंदर ऑप्शन है, C के अंदर भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन D के अंदर भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 4 के अंदर भी A B C, क्वेश्चन 4 के अंदर A B C तीनों में जो है आपको ऑप्शन मिला हुआ है। ध्यान से देखिए, ए के अंदर ऑप्शन है, बी के अंदर ऑप्शन है, लेकिन सी जो क्वेश्चंस है वो अकेला कंपलसरी क्वेश्चंस होगा। तो इसका आप नोट ध्यान रखेंगे। मार्क्स ऑफ पेपर जो होगा वो 7 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स, जैसे भी GTU डिसाइड करेगी उस हिसाब से होगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, तो A B C और D, ये अकेला सेक्शन जो है दोस्तों आपका कंपलसरी क्वेश्चंस होता है। मतलब इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो इस सेक्शन को लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कितना लिखना है, हमें टोटल जो है हमें 4 ही सेक्शन लिखना है। तो आपको यदि क्वेश्चन 5 के अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने दोस्तों पूरा का पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न का एनालिसिस कर लिए हम लोग। याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम जो समर है वो 3 जुलाई से चालू हो रही है। कब से चालू हो रही है,
3 जुलाई से एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, उसके लिए भी मैं जो है आप लोगों के लिए एक अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी वीडियो, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो अभी आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर एक आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड, G2 रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड और इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो है आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी मेरे चैनल को आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।